अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय अनदर व्लॉग। फर्स्ट व्लॉग कह सकते हैं आप, आफ्टर 2 मंथ्स जो है, और किसी वजह से, किसी पर्सनल इशू की वजह से जो है ना, मैं व्लॉगिंग को जो है मैंने कुछ टाइम के लिए जो है वो पोस्टपोन कर दिया था या मैंने स्किप कर दिया था, और अब जो है आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। तो गाइस, बात कुछ यूँ है कि मैं आज आपके सामने जिस टॉपिक पर या जिस मौजू पर बात करना चाह रहा हूँ, वो जो मैंने एनालाइज़ किया है, और मैं अक्सर जो है ना काफ़ी डीप एनालिसिस करता हूँ माशरती जो सोशल नॉर्म्स हैं, हमारे सोशल इवेंट्स हैं, और जो कुछ भी हमारे माशरे में हो रहा है, और ख़ास तौर पर जो मुल्की सतह पर भी सारा कुछ हो रहा है। तो गाइस, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हम जो है ना माशरती तौर पर बहुत गिरे हुए हैं, और हम इखलाकी तौर पर बहुत पस्ती का शिकार हैं, और हम जो है ना बहुत सी बुराइयों में मुबतला है, बतौर माशरा या बतौर फर्द कह लें, इंफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी। और यकीन जाने ऐसी जो है ना वो ये बुराइयां हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि इंतहाई कह लें कि इंतहाई नामुनासिब चीज़ें हैं जिनमें हमारा माशरा घिरा हुआ है। चीज़ें क्या हैं? एक सिस्टम है, आपको पता है, एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है हमारे माशरे का, और ये नेशनल लेवल पे जो है ना सारा कुछ हो रहा है। बुराई को बुराई नहीं समझा जाता, और अच्छाई जो है उसको हकीर समझा जाता है, अच्छाई का मजाक बनाया जाता है, जो इंसान अच्छाई करता है उसको बेवकूफ़ समझा जाता है, और जो इंसान बुराई करता है वो बुराई को बुराई नहीं समझता, और बड़े फख्र अंदाज में जो है ना वो उसको आगे बयान नहीं करता। लोग सही और गलत में तमीज़ नहीं कर रहे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस अक्सर जो है ना लोगों ने अपने अपने मकासद तय किए हुए हैं, अपने अजाइम जो हैं वो बना रखे हैं, और उनके हुसूल के लिए ना वो नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। मैं ना यकीन जाने के मुल्की लेवल पर जो है ना, इज्तिमाई लेवल पर देखा जाए तो बहुत कुछ गलत हो रहा है, लाकानूनियत हो रही है, जुल्म बर्बरियत हो रही है। बतौर इंसान भी जो है ना, हम इंसान कहलाने के लायक भी जो है ना, मेरे ख्याल से ये कौम जो है नहीं रही। मुसलमान तो बहुत दूर की बात है कि हम एक इंसानियत का जो लेवल है ना उससे भी डाउन जो है हम गिरे हुए लोग हैं। हम परवाह नहीं करते, किसी का हक खाने से नहीं डरते, और किसी को नुकसान पहुँचाने से हम बाज नहीं आते। हालांकि मुसलमान की तो ये पहचान है कि वो उसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मुसलमान की डेफिनेशन ये है। इस्लाम में तो तसव्वुर ही नहीं है नुकसान का कि आप किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। इस्लाम तो अमन का और सलामती का दीन है, और सलामती का दरस देता है, और मुसलमान का तो जो है एक दूसरे मुसलमान के साथ मिलने के बाद जो सबसे पहला काम ही सलामती भेजना है। जैसा कि अस्सलाम वालेकुम हम कहते हैं, तो इसका यही मतलब है कि आपको सलामती हो। और आप देखेंगे मुसलमान ही मुसलमान का खून कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं दूसरे को, एक दूसरे का हक खा रहे हैं। मैं यकीन करें हैरान हूँ, और बड़ा ना बहुत डीपली इस चीज़ में ना मैं सोचता हूँ, और बड़ा कंफ्यूजन का शिकार अक्सर मैं होता हूँ। डिप्रेशन भी आप कह सकते हैं किसी हद तक के, जब इंसान देखता है कि शिकायत नमाज हो रही है, नमाज के बाद आपसे मैं बात करता हूँ। जी गाइस, अजान हो चुकी है मुकम्मल। तो बिकॉज मैं ना बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होता हूँ ये चीज़ें सोच करके, इंसान जो है वो किस कदर गिर चुका है, और किस तरह की जो है चीज़ें हमारे सामने आती हैं अक्सर, कि इंसानियत पर से एतबार उठता जाता है कि हम देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, किसी हवस में, किसी को दौलत की हवस है, किसी को क्या है, लोग जो है ना अफरा तफरी में मुबला हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना जैसा कि इनको आखिरत की परवाह नहीं है कि यार मरना भी है एक दिन, और आखिरत में भी जो है आखिरत की भी ज़िंदगी है, उसकी को तैयारी करनी है, और ये जो आर्जी और फ़ानी दुनिया है और इसकी आर्जी ज़िंदगी है, इसके लिए जो है ना इंसान आखिरी हद तक जो है जुल्म की आखिरी हद तक भी जाता है अपनी या दुनिया के फ़ायदे के लिए, और आखिरत की कोई फिक्र नहीं, आखिरत को खराब कर रहे हैं लोग। या तो ये कह लें कि भाई अकीदा ही हमारा कमज़ोर है, हमारा ईमान ही कमज़ोर है, हम वो ईमान ही अपने अंदर नहीं रखते कि यार हमने मरना भी या आखिरत में हिसाब किताब भी देना है, और सारा कुछ जो है आखिरत की भी ज़िंदगी है, सारा कुछ हम चाहते हैं कि हमें दुनिया में ही मिल जाए। ये तो मुसलमान की ज़िंदगी का जो है ना वो फूल ही नहीं है कि वो चाहे कि बस जो कुछ भी है ना मुझे दुनिया में मिल जाए और यही कुछ है बस मैं हासिल कर लूँ, किसी तरह ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसके लिए जो है ना एक अलग जो है वो शेड्यूल और उसकी किस्मत तय की होती है, जिसके मुताबिक उसको सारा कुछ मिलता है, और ये अल्लाह बेहतर जानता है किसके लिए क्या
और कब क्या अदा करना बेहतर है क्या नहीं है, गलत चीज़ें हैं। पहल इंसान को ना, मेरी तो जो है ना ये मेरी ये अर्ज है, गुजारिश भी है जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है कि खुदारा आखिरत को ना भूलें, कभी भी ना भूलें। ख़ास तौर पर जो मुस्लिम मुसलमान जो है ना, उनका तो ज़ाहिर ईमान है अल्लाह पर भी, आखिरत पर भी, जजा व सजा पर भी और हिसाब किताब सब कुछ जो है। और हमने देखा, आप देखें कि हमने कितने ही अपने अजीज अपने हाथों से दफना दिए, कब्रों में खुद उतारा है उनको, जिनके साथ हमने अपनी लाइफ के बड़े मोमेंट्स साथ गुजारे हैं, उनके साथ हमारी यादें वाबस्ता हैं, आज वो हमें नहीं है, वो भी कब्रों में उतरे। तो एक दिन हमने भी जो है मरना है और कब्रों में जाना है, ठीक है। तो सब कुछ जो है हमारा जो किया अमल है वो जो है वो जो अमल है वो हमारा वो हमारे पास होना है, आखिरत में बाकी सारा कुछ इधर रह जाना है। अगर हम नाजायज़ किसी के साथ किसी का हक खाएंगे गैर शरी तरीके से और गैर कानूनी तरीके से, नाजायज़ तौर पर किसी के साथ उसको ज्यादा करेंगे, और तो उसका एक तो आखिरत में हिसाब देना, और दूसरा यह है कि वो सब कुछ इधर ही रह जाना है। आपका तो आपको तो फ़ायदा उस चीज़ का ही होगा जो आप खुद तो अपने इस्तेमाल में ले आएंगे, और फ़ायदा भी उसी चीज़ का होगा जायज़ तौर पर आप जिससे यूटिलाइज होंगे। अगर नाजायज़ तौर पर किसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और उसका तो उल्टा आपके ऊपर दुनिया में भी जो है उसके साइड इफेक्ट होंगे और आखिरत में भी आपको ज़ाहिर उसका मियादा भुगतना होगा। तो बतौर मुसलमान जो है ना हमें एहतियात बरतनी चाहिए कि हम जो है ना अपनी लाइफ को उस तरह से अपनी लाइफ को सेटल करें, उस तरीके पर लेके आएँ कि आखिरत भी हमारी जो है वो महफूज रहे और हमारी दुनिया की सवर जाए। दुनिया को लाजमी सवार है, दुनिया को मैं ये नहीं कहता कि दुनिया के लिए खुश ना करें, दुनिया को दुनिया में भी अपना ऐसा आप तरीका ऐसा तर्ज ज़िंदगी लाइफ हम ऐसा बनाएं अपनी लाइफ स्टाइल जो है कि आप की ज़ात से दूसरों को अगर फ़ायदा भी ना हो ना तो नुकसान भी ना पहुँचता हो। क्योंकि मुसलमान का तो यही शुआर है कि वो जो है ना उसकी ज़ात से दूसरों को सलामती पहुँचे, अगर नुकसान तकलीफ पहुँचती है तो वो मुसलमान जो है ना असल मानों में मुसलमान नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं। क्योंकि ये तो देखें ना कि हदीस भी है कि वो मोमिन नहीं, इस तरह की हदीस है ना कि जो मोमिन नहीं जिसकी जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से महफूज ना हो ना तो उसके शर से महफूज ना हो। तो करने को तो बातें बहुत सी हैं लेकिन समझने को तो इंसान तो समझने वाला हो वो किसी एक ही पॉइंट से भी समझ सकता है। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि और मेरी खुद के लिए भी नसीहत है कि हमें आखिरत के लिए ना अपनी दुनिया जो है दुनिया को दुनिया में रहते हुए हमें आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए और दुनिया की भी जो है साथ साथ दुनिया की और आखिरत की दोनों की भलाई के लिए हमें सरगर्मी अमल होना चाहिए और कभी भी नाजायज़ और गलत रास्ते का इंतखाब नहीं करना चाहिए और कोशिश करें कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मन खैरुन्नास मन यन्फ़ाउन्नास, क्योंकि आप लोगों में तुम में बेहतर वो है जो जिससे दूसरों को नफ़ा पहुँचे, जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। अगर आप इस कैपेसिटी में नहीं हैं या इस काबिल नहीं हैं या इसकी इस्तेमाल नहीं है कि आप दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते तो कम अज़ कम आप दूसरे को नुकसान भी ना पहुँचाएँ। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है काइंडली अपनी आदत का भी सोचें ऐसे तो इस्तेमाल और दुनिया भी अपनी इस्तेमाल रहें और खुश व कुरम रहें और बेस्ट लाइफ गुजारें। बस मेरी यही गुजारिश है और करने का तो बातें बहुत लंबी भी हो सकती हैं लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो गाइस मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।